अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। आप लोग मुझे जानते हैं इस यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है ताशीफाई। मैं पिछले कुछ 12 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ और मैंने स्वीडन में लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाकर पोस्ट की हैं। अब कुछ अर्से से मैंने ये वाला नया चैनल डेवलप करना शुरू किया है बिकॉज इस वक्त क्रिप्टो की मार्केट बूम पे है और इस वक्त बहुत सारे लोग समझदारी के साथ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके मिलियनर बन रहे हैं। मैं अभी आपको एक कॉइन दिखाऊंगा, एक कॉइन हम देखेंगे सिर्फ आज, और आपको सिर्फ उसका बताऊँगा कि आपने उसमें कैसे केयरफुल रहना है और उसमें एंटर होना या नहीं। अच्छा, पहले मैं आपको कोई भी बात कहूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं आपको आपको ये कह रहा हूँ कि आप किसी जगह पे जाके इन्वेस्ट करें और कितने पैसे इन्वेस्ट करें। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, आपने जो भी करना है खुद से करना है, समझ के करना है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और ये चैनल मैंने डेवलप किया है आप लोगों को एजुकेट करने के लिए कि आप भी देसी क्रिप्टो गुरु बन सकते हैं, आप भी इस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ करना। आपने अपने पैसे किसी को नहीं देने। दूसरी बात, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, ना ही मैं आपसे कोई ये कह रहा हूँ कि जी आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपको बिटकॉइन दे देता हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। जो करना है आपने खुद करना है, आपने अपने पैसे किसी को नहीं देने। अगर आपको फेसबुक यूज़ करनी आती है, इंस्टाग्राम यूज़ करनी आती है, कोई भी मोबाइल यूज़ करना आता है, आप ये वीडियोज़ देख के खुद से क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको एक दूसरे परस्पेक्टिव से देखें, मुझे पता है पाकिस्तान को इस वक्त में डॉलर्स की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त में क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आपका एक एक डॉलर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अगर आप एक डॉलर इन्वेस्ट करते हैं और वो एक महीने के बाद $4 बन जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बूम पे है इस वक्त, ठीक है। तो आप जब वो पैसा पाकिस्तान में वापस लेके जाएंगे तो पाकिस्तान के जो डॉलर रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा होगा। आपने तो वो पाकिस्तान स्टेट बैंक को वो पैसे देने हैं और उससे आपको 5 रुपीज़ मिलने हैं। मेरे ख्याल से इसमें हमें वॉइस उठानी चाहिए, गवर्नमेंट को इसे सपोर्ट भी करना चाहिए अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान में इसको सपोर्ट नहीं कर रही। असल में पता क्या बात है, क्रिप्टो से सारे डर रहे हैं, उसलिए डर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि हमारा जो सा ग्रिप है ना इकोनॉमी के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ न्यू वे ऑफ पेइंग, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखना चाहिए। एनीवेज जी, मैं आपको जो कॉइन दिखाने वाला हूँ उसका नाम है बाइनांस। अगर आप ये देखें तो ये 108% ग्रोथ हुई है इसकी एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको और ज़्यादा मज़े की चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ वो ये है, एक मिनट ज़रा ठहर दें, मैं जो चीज़ आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि मैंने जो भी आपको एग्जांपल दी है कि पाकिस्तान की किस तरह से खिदमत हो सकती है अगर इसको कुछ थोड़ा सा समझता हो, और आप लोग क्या कर सकते हैं। ये देखें कि मैं अब आप ये देखेंगे मेरी बाइनांस की होल्डिंग, बड़ी छोटी सी होल्डिंग है, मैंने मुझे पता ही नहीं था ये कोई कॉइन भी है, मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ है। आप ये देखें कि मैंने कब ख़रीदा है, 23 जनवरी में मैंने ख़रीदा $40 का 23 जनवरी को मैंने ख़रीदा। ऑलरेडी आप देखें मैं $317 प्लस हुआ हुआ, यानी कि किसी ने अगर पाकिस्तान से $40 आज से एक महीना पहले पाकिस्तान से बाहर भेजे थे, आज वो उन $40 की बजाय $317 ला सकता है। मैं ना तो ये कह रहा हूँ कि जी पाकिस्तान के रिजर्व्स के हों, मुझे ना कल मेरी इसमें डिबेट हो रही थी एक बंदे से, तो मैंने उसको कहा यार ये एक बिजनेस है, दिस इज़ अ बिजनेस। एनीवेज जी, इस बाइनांस के ऊपर जाते हैं, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है भाई, इसको क्या ये अगला बिटकॉइन बनने जा रहा है? बिटकॉइन तो नहीं बनने जा रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन बनना जा रहा है। किस कॉइन के अगेंस्ट? आप लोग अगर क्रिप्टो के अंदर काम करते हैं तो आपको पता है ये USDT क्या चीज़ है। USDT बेसिकली एक स्टेबल कॉइन बिल्ड हुआ था जो के यूज़ होता है इक्वलेंट टू डॉलर। आपने $500 डाले, आपके डिजिटल एक्सचेंज के अंदर वो USDT बन जाते हैं 500, ठीक है, वो फीस वगैरह जो भी काटनी है। फिर आप इस USDT से डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज खरीदते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन ये बाइनांस कॉइन क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह भाई ये है कि बाइनांस जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की या दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज की जो सी एक्सचेंजेस हैं, बाइनांस उसमें से एक है। तो बाइनांस ने कहा कि यार हर दफ़ा जब हम दूसरे किसी कॉइन से बिटकॉइन में या ये जो ट्रेडिंग होती है USDT से, तो उसकी बजाय हम अपने कस्टमर्स को एक बाइनांस कॉइन देते हैं।
क्योंकि अब मोस्टली आप ट्रेडिंग बाइनांस के ऊपर कर रहे हो, उन्होंने कहा कि हम एक अपना कॉइन दे देते हैं उसके अंदर सबसे कम फीस पड़ेगी, इसलिए ये इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने USDT और बाकी करेंसीज में से अपने आप को कन्वर्ट करके बाइनांस कॉइन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। वो इसलिए कि बाइनांस से अगर वो बिटकॉइन खरीदते हैं, बाइनांस से अगर वो एडा खरीदते हैं, बाइनांस से अगर वो पोलका खरीदते हैं, बाइनांस से अगर वो ये किसी भी किस्म की ये करेंसी अगर वो खरीदते हैं तो उसमें उनको जो फीस है वो बहुत थोड़ी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए आज आप देखें कि मार्केट कैप वाइज बाइनांस ने USDT को फारिग कर दिया है। आप देखें किधर है, 33, 38। तो मार्केट कैप वाइज बाइनांस साहब जो उनसे हैं वो तीसरे नंबर के कॉइन बन चुके हैं ओवरनाइट। ये देखें, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया यार कि मैंने सिर्फ $40 का खरीदा था, इसकी प्राइस डेवलपमेंट देखें, दिस इज वेरी क्रेजी। मैं आपको ये भी बताऊंगा आपने इसमें इन्वेस्ट करना नहीं कि नहीं। ये देखें जरा प्राइस इसकी, देखें क्या बन रही है इसकी आज से, यानी कि 2021 के शुरू में 28 जनवरी को इसकी प्राइस थी $41। अब ये पीक कर रहा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं अच्छा यार अगर ये पीक कर रहा है तो क्या करें, इधर हम खरीदें या नहीं खरीदें। आपने भाईजान देखना ये है कि अगर तो आपने बाइनांस एक्सचेंज के अंदर आपने काम करना तो बाइनांस एक अच्छा कॉइन है, इसके अंदर आप खरीद के आप अपने बाकी, लेकिन इसके अंदर क्या आप अपना पैसा स्टोर करें या ना करें, आई एम नॉट सो, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि बहुत ज़्यादा पैसे इसमें डालें। क्या ये $1,000 को टच करेगा? कर सकता है। क्या ये $5,000 को टच करेगा? वो भी कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा स्टेक बाइनांस में ना रखें क्योंकि ये एक एक्सचेंज का कोड है सिर्फ, ठीक है जी, ये एक एक्सचेंज का कॉइन है। हाँ अगर ये इसको अवेलेबल करते हैं बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी और इसके ऊपर प्रॉपर जैसे बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग होना शुरू हो गई, बिटकॉइन के अंदर वैल्यू स्टोर होना शुरू हो गई, अगर वो ये भी लेके आ जाते हैं तो दिस कैन बी नेक्स्ट टू लाइट कॉइन एंड बिटकॉइन। तो ले यार ये एक वीडियो थी आपको दिखानी थी, आप बाइनांस के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस बात के बारे में आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये देख लें, इन्होंने ये बनाई है, रिड्यूस ट्रेडिंग फी ऑफर करता आपको, ठीक है जी, अकाउंट ईयर और उसके बाद डस्ट कन्वर्जन IEO, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, अगर ये सारी डिटेल्स आप जाके पढ़ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ले यार अगर आपको, और इसमें अभी देखें सिग्नल क्या चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बाई पंप हो रहा है पैसा बैलेंस के अंदर, पंप पंप पंप, माइट भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा कॉइन हो सकता है। आप इसको अभी खरीदें, ये शायद $500 को भी टच करो तो जाके कंसोलिडेट हो और फिर नीचे जाए, तो इसमें आप कर सकते हैं अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए। मैं अगेन अपने रिस्क पे करना है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, आपने जो भी करनी है अपनी मर्जी से करनी है। ले यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल को फॉलो करके खुद से देसी क्रिप्टो गुरु बन सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ बहुत ईजी है करना, एक दफ़ा बस कर लेता है जब इंसान तो फिर सब सब कुछ आ जाता है। और मेरा ये मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग को सीख के अपनी एक पैसिव इनकम भी बिल्डअप कर सकें और अपना एक मेन ऑक्यूपेशन भी बिल्डअप कर सकें। ले यार अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह हाफिज़।